नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाटेक में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो लंका प्रीमियर लीग का मैच नंबर 18 खेला जाएगा, इस मैच के बारे में। दोस्तों, ये मैच खेला जाएगा डाम्बुला सिक्सर वर्सेस कैंडी फेलकुन के बीच में। अब इस मैच में किस तरह से हमारी फैंटेसी टीम बनेगी, ग्रैंड लीग का एक बेहतरीन टीम कैसे बना पाएंगे, स्मॉल लीग का एक यूनिक टीम कैसे बना पाएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। यानी कि इस मैच के बारे में बेस्ट प्रेडिक्शन मिलने वाला है आपको इस वीडियो में, साथ साथ पिच रिपोर्ट की सटीक जानकारी, हर एक प्लेयर्स का स्टार्ट्स इन्फॉर्मेशन, और इसके साथ आपको आगे दो GL का बिल्कुल यूनिक कम्बिनेशन मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, कंप्लीट देखिएगा। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो है आपको टेलीग्राम से जुड़ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर टॉप में पिन किया हुआ है, वहां से आप जुड़ जाएंगे। देखो गाइस, जुड़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस मैच का जो फाइनल टीम होगी वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं, तो जुड़ जाइएगा। और साथ साथ जो ऑफिशियल पिच रिपोर्ट होते हैं वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलते हैं, तो इसलिए जुड़ना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इजीली जुड़ पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। दोस्तों, ये मैच खेला जाएगा लंका प्रीमियर लीग का मैच नंबर 18 है, जो खेला जाएगा DS वर्सेस KFL के बीच में, जो आज ही के डेट में यानी कि 15 जुलाई को मैच होगी। इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 3 बजे दोपहर में मैच स्टार्ट होगी। वेन्यू यह दूसरा वेन्यू होने वाला है, आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के ग्राउंड पर यह मैच खेला जाने वाला है, ठीक है। अब यहाँ का ग्राउंड किस तरह से बिहेव करता है वो आपको आगे पता चलेगा, स्पिनर्स को रखना है या पेसर्स को रखना है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, बस आपको ध्यान से वीडियो को कंप्लीट कंटिन्यू वॉच करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोनों टीमों का रिसेंट फॉर्म। तो देखो, KF का जो टीम है, लास्ट के 5 मैच में 4 मैच को लॉस किया है और 1 मैच को विन किया है। यानी यहाँ पे लास्ट के जो 5 मैचेस खेले हैं जिनमें से 4 को लॉस किया है, 1 ही मैच को विन किया है। वही बात करें DA का यानी कि डाम्बुला का, तो लास्ट के 5 मैच में इन्होंने 3 मैच को विन किया है और 2 मैच को लॉस किया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो डाम्बुला का जो टीम है स्ट्रांग है, डाम्बुला को फेवर में आप टीम बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो हेड टू हेड का जो रिकॉर्ड है, यहाँ पे टोटल 3 मैचेस में KFL का जो टीम है 2 मैच को विन किया है और डाम्बुला का जो टीम है वो 1 मैच को विन किया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो KFL का टीम थोड़ा सा स्ट्रांग नज़र आ रहा है, बट यहाँ पर अभी जो स्टैट्स और रिकॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो ये जो है डाम्बुला सिक्सर, इसका टीम काफ़ी स्ट्रांग है, इसके फेवर में ही आप टीम बना सकते हैं। क्योंकि देखो, इसका बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों स्ट्रांग है, ठीक है, तो इसके फेवर में आप जा सकते हैं। बाकी बात करें इस ग्राउंड का लास्ट 5 मैच का स्टैट्स, जिनमें पेसर बॉलर्स ने 31 विकेट्स निकाले हैं और स्पिनर्स ने 35 विकेट्स निकाले हैं, टोटल विकेट्स जो गए 66। तो देख सकते हो यहाँ पे स्पिनर्स भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट नज़र आएंगे, ठीक है, क्योंकि स्पिनर्स यहाँ पे विकेट्स निकाल रहे हैं, एडवांटेज है, तो स्पिनर्स को लेके हमें चलना है। बट पेसर्स को भी हमें अपने टीम में रखना है, तो किन किन पेसर्स को और किन स्पिनर्स को रखना है आगे आपको सारी चीज़ें पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आगे बात करेंगे वेन्यू स्टेट्स। देखो, इस ग्राउंड पे अभी तक के टोटल जो है LPL यानी कि डोमेस्टिकली मैचेस जो खेले गए हैं वो 45 बार खेले गए, जिनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 24 मैच को विन किया है, सेकंड बैटिंग करते हुए 21 मैच को विन किया गया है, ठीक है। बात कर लीजिए एवरेज स्कोर की, तो देखो यहाँ पे 149 का आपको फर्स्ट इनिंग का एवरेज दिखने को मिलेगा और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे जोफ्रा किंग की टीम किया हुआ था 207 पे 6 विकेट। वहीं बात करें यहाँ पे DS का, तो 69 पे ऑल आउट हुई थी DS का टीम, ठीक है। तो समझ सकते हो यहाँ पे लोएस्ट भी बन रहे हैं और हाईएस्ट जोफ्रा किंग 207 का किया हुआ था। बाकी बात कर लीजिए यहाँ पे जो 45 मैचेस खेले गए इनमें किन टाइम कितना स्कोर बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं 150 के नीचे 22 बार स्कोर बना है, यानी कि सबसे अधिक जो स्कोर बन रहे हैं वो 22 बार बने 150 के नीचे। इसके आगे 150 से 169 जो है 10 बार बना है, 170 से 189 9 बार बनाए और 190 के ऊपर 4 बार बनाए, यानी कि हाईएस्ट स्कोर देखें तो 190 के ऊपर 4 ही बार, केवल 4 बार स्कोर बना हुआ है, वहीं 150 के नीचे 22 बार स्कोर बना हुआ है। तो समझ सकते हो स्कोरिंग जो है यहाँ पर कम होने वाला है, लो स्कोरिंग का मैचेस आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। बॉलर्स आपके लिए हावी रहेंगे, बॉलर्स को अपने टीम में प्रेफर करके चलेंगे, ठीक है। आप समझ गए पिच रिपोर्ट क्या है, स्पिनर्स को एडवांटेज है, बॉलिंग ग्राउंड है, बॉलर्स के फेवर में
चलने वाले ऑलराउंडर्स प्लेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो कुछ ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जिसको आपको भूल के भी ड्रॉप नहीं करना है, वो आपको आगे पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे बात कर ले दोनों टीमों का पॉसिबल प्लेइंग 11, तो देखो गाइस यहाँ पे डीएस से रिजा हैंक्रिज, कुशल पेरेरा ये दोनों ओपन कर रहे हैं, साथ में यहाँ पे वन डाउन पे इब्राहिम जादरान, इसके बाद में लहरू अद्रा है, इसके बाद मार्क चैपमैन, इसके बाद में सी विक्रम सिंह है, इसके बाद में आपको मिलेंगे मोहम्मद नबी जो टीम के कैप्टन है, इसके बाद में दर्शन हेमलता है, इसके बाद में दिलशन मधुसन का नवन प्रदीप है, इसके बाद में नवन तुषारा है। ठीक है, बात कर लीजिए यहाँ पे के एफ का टीम का, तो यहाँ पे दिनेश चंदीमल जो है इनके साथ में आंद्रे पल्चर ये दोनों ओपन करेंगे, इसके बाद में मोहम्मद हारिश वन डाउन का प्लेयर, आपको दर्शन सनाका मिलेंगे टू डाउन पे, इसके बाद में एग्लो मैथ्यू, इसके बाद में निंडो हसरंगा और आर मेंदिस, कमिंडो मेंदिस। ठीक है, देखो कमिंडो मेंदिस जो है चार नंबर पे यहाँ पे बैटिंग करते हैं, बट देखो बैटिंग लाइनअप में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। अगर बैटिंग लाइनअप में जो एग्जैक्ट प्लेइंग 11 आएगी वहाँ पे अगर कमिंडो मेंदिस चार नंबर पे आते हैं तो फिर इसके बारे में हम सोचेंगे कि इसको अपने टीम में रखना है या नहीं रखना है। फिलहाल यहाँ पे आठ नंबर पे इसका बैटिंग लाइनअप दिया हुआ है, इसके बाद में आपको मिलेंगे सी गोमेज और मोहम्मद हसनैन और सोरफिल इस्लाम है। ठीक है, तो ये हो गया आपको केएफएल का प्लेइंग 11। देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट जो प्लेयर होने वाले हैं आज के मैच में वो मैं आपको बता दूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से विनिंडो हसरंगा और आर मेंदिस ये दोनों प्लेयर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिक रहेंगे, इनको दोनों को पिक करके चलना है। और यहाँ से आप देखें डीएस के टीम से तो सी विक्रम सिंह जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। ट्रंप कार्ड के रूप में आप यहाँ पर दर्शन हेमलता को ले सकते हो, राइट आर्म लेग ब्रेक है, सामने वाला टीम में केवल राइट हैंडर्स है तो इनके सामने बॉलिंग डालेगा तो ये बंदा विकेट्स निकाल सकता है। ठीक है, तो इस प्लेयर्स को आपको अपने टीम में लेकर के चलना है। बाकी यहाँ पे स्टार्ट्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसको आपको अपने टीम में लेकर के चलना है। तो बात कर लीजिए डीएस की टीम से, तो रिचा हैंक्रिज का जो है बेहतरीन फॉर्म चल रहा है, हर मैच में बंदा अच्छा पारी खेल के आया हुआ है। ठीक है, लास्ट के जो पाँच मैचेस खेला है बिल्कुल एक मैच में इन्होंने फ्लॉप किया, बाकी चार के चार मैच में 50+ का स्कोर है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स रहेंगे, इसको आप टीम में लेकर चलना है। ठीक है, इस ग्राउंड में 72 के एवरेज से बंदा बैटिंग कर रहा है। ठीक है, कुशल पेरेरा लेफ्ट हैंडर है और फॉर्म ठीक है, लास्ट वाली मैच में फ्लॉप है, लेकिन उससे पहले देखो 17, 80, 16 और एक मैच में 100+ का स्कोर है। ठीक है, तो किसी जीएल के टीम में ट्राई करना, स्मॉल लीग में चाहे तो रख सकते हो, अदरवाइज आप ड्रॉप करना, क्योंकि सामने वाला टीम में जो है आपको विनिंडो हसरंगा एक प्लेयर मिलेगा और आर मेंदिस। ठीक है, ये दोनों से इनको रिस्क है, लेकिन टॉप ऑर्डर में है तो अच्छा कर सकता है। सामने स्पिनर्स हैं तो स्पिनर्स मिडिल ऑर्डर में आते हैं, तो उस सिचुएशन में आप कुशल पेरेरा को भी अपने टीम में लेकर के चल सकते हैं। बाकी बात करें इब्राहिम जादरान को, तो ये प्लेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, 30 के एवरेज से बैटिंग कर रहा है इस ग्राउंड पे और अच्छा पिक है, आप अपने टीम में लेकर के चल सकते हो, एवरेज परफॉर्मेंस है और एक मैच में बंदा 100+ का स्कोर भी करके आ रहा है। ठीक है, लहरू अद्रा है जो फॉर्म काफ़ी गड़बड़ है, चाहे तो आप ड्रॉप कर सकते हो। इसके बाद में आपको मार्क चैपमैन लेफ्ट हैंडर है और इनके सामने बॉलिंग डालेगा आर मेंदिस। ठीक है, तो खतरा है, ड्रॉप करके चलना, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट में 91 का एवरेज से बैटिंग करा है, एक मैच खेला 91 रन है, तो देखना ग्रैंड लीग के टीमों में ट्राई करना। सी विक्रम सिंह है जो लेफ्ट हैंडर है और राइट आर्म स्पिनर है। ठीक, राइट आर्म मीडियम गेंदबाज है, तो अपने टीम में लेकर के चलना, फॉर्म ठीक है और बॉलिंग भी डल रहा है, लास्ट मैच में एक विकेट है और देखो ये मिडिल ऑर्डर में आएगा तो विकेट्स जाएंगे तो बैटिंग से भी अच्छा पारी खेल जाता है। ठीक है, तो देखो एक मैच में यहाँ पे 56 रन का पारी खेला हुआ है, दो विकेट भी है, तो कैप्टेंसी मैटेरियल रहेगा, ग्रैंड लीग का डिफरेंशियल कैप्टन आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में कर सकते हो। ठीक है, आगे आपको मिलेंगे यहाँ पे मोहम्मद नबी ऑफ स्पिनर है, सामने वाला टीम में एक भी लेफ्ट हैंडर नहीं है, तो चाहे तो आप ग्रैंड लीग के टीमों से ड्रॉप करना, स्मॉल लीग में आप पिक करके चल सकते हो, फॉर्म काफी ठीक ठाक है, लास्ट मैच में दो विकेट्स निकाला हुआ है, 25 रन भी करके आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में दिलशन हेमलता है जो राइट आर्म लेग ब्रेक है, सामने वाला टीम में राइट हैंडर्स है जिनके सामने बॉलिंग डालेगा तो बंदा विकेट निकाल सकता है, फॉर्म काफ़ी ठीक है, लास्ट मैच में दो विकेट, उससे पहले तीन विकेट निकाल के आ रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने टीम में लेकर के जा सकते हैं, ग्रैंड लीग में चाहे तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। बाकी बात करें दिलशन मधुसंघा की, तो फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लास्ट के दो मैच में एक एक विकेट निकाला हुआ है, इस ग्राउंड पर 10 मैच खेला है, 9 विकेट है, तो चाहे तो आप ट्राई करना, लेकिन ये आपके लिए ट्रंप कार्ड प्लेयर हो सकता है, अगर ये टीम पहले बॉलिंग करे उस कंडीशन में मधुसंघा को भी आप अपने टीम में लेकर के चल सकते हैं। नवन प्रदीप है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला है, इस ग्राउंड पे 14 मैच खेला है, 26 विकेट है और देखो फॉर्म भी काफ़ी बेहतरीन है, तो अपने टीम में लेकर के आपको चलना ही चलना है। ठीक है, इसके बाद में नवन तुषारा के बारे में आप सभी जानते हैं, आईपीएल काफ़ी बेहतरीन मतलब की तरीके से खेल के आ रहा है और यहाँ पर भी फॉर्म ठीक है,
और इस ग्राउंड पे 16 मैच खेला है और 19 विकेट है। हेड टू हेड में यानी कि इस टीम के अगेंस्ट में 3 मैच में 8 विकेट है। ये इंपॉर्टेंट है, अपने टीम में लेकर के चलना, ट्रम्प कार्ड प्लेयर होने वाला है, ठीक है। बाकी बात करेंगे यहाँ पे दूसरी टीम KFL की, तो दिनेश चंडीमल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। फॉर्म ठीक है, ठीक है, और इस ग्राउंड पे 30 के एवरेज से बैटिंग करा है। इस टीम के अगेंस्ट में 43 का एवरेज है, बहुत मैचेस खेला है, 11 मैच खेला है, 43 के एवरेज से बैटिंग करा है, ठीक है, अपने टीम में लेकर के चलना है। बाकी बात करें एफ हल्चर को, तो आप चाहे तो ड्रॉप करना, राइट हैंडर्स है, और चाहे तो आप पिक भी कर सकते हो, लेकिन ग्राउंड पे अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, इसके वजह से आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। मोहम्मद हारिस है, वन डाउन प्लेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, एवरेज परफॉर्मेंस है और इस ग्राउंड पे 32 के एवरेज से बैटिंग कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, अपने टीम में पिक करके चल सकते हैं। बाकी दशन सरा का अगर 2 डाउन पे आ रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आपको, बॉलिंग बैटिंग दोनों जगह से इंपॉर्टेंट है। इस ग्राउंड पे 19 के एवरेज से बैटिंग करा है, 9 विकेट है 20 मैच में, ठीक है, तो दोनों जगह से आपको बेनिफिट देने वाला है। रिसेंट फॉर्म काफ़ी बेहतरीन है, अपने टीम में लेकर के चल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपको आगे मिलेंगे एंग्लो मैथ्यूज। देखो बॉलिंग उतना नहीं डाल रहा है, बट लास्ट वाली मैच में 2 विकेट निकाला, बॉलिंग डाला, तो ठीक है। इस ग्राउंड पे 17 मैच में 7 विकेट है और 27 के एवरेज से बैटिंग करा है, ठीक है, तो अगर बॉलिंग डाले तो फिर इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक है। विनिंडो हसरंगा आपको दोनों कंडीशन में अपने टीम में रखना है, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों जगह से ये आपको बेनिफिट देने वाला है, और ये प्लेयर आज के मैच में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कैप्टेंसी मटेरियल है। इस ग्राउंड पे 23 मैच खेला, 26 विकेट निकाला है और 29 के एवरेज से बैटिंग भी कर रहा है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेग ब्रेक, राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाजी करता है और 6 नंबर पे बैटिंग भी कर रहा है, ठीक है। सामने वाला टीम में राइट हैंडर्स है जिनके सामने बॉलिंग डालेगा तो विकेट्स, 1-2 विकेट्स तो कन्फर्म है कि आपको निकाल कर दे सकता है, ठीक है, तो एक तरह से ये इंपॉर्टेंट है, कैप्टन वाइस कैप्टन करके जा सकते हैं। बाकी बात करेंगे यहाँ पे आर्म हैंडिस, ऑफ स्पिनर है, सामने वाला टीम में 3 से 4 लेफ्ट हैंडर प्लेयर्स दिखेंगे, तो बॉलिंग डालेगा, ठीक है, पूरा बॉलिंग डालेगा और विकेट्स भी आपको निकाल के देगा, ठीक है। तो देखो इस ग्राउंड पे 13 मैच खेला है, 17 का एवरेज से बैटिंग किया हुआ है और 9 विकेट है, तो इंपॉर्टेंट है, अपने टीम में लेकर के चलना। कविंडो मेंडिस के बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर टॉप ऑर्डर में आएगा तो आप फिर पिक करना, बाकी आप ड्रॉप करके जा सकते हो। इसके बाद में आपको मिलेंगे सी कोमेज, जो लास्ट के 2 मैच खेला, दोनों भी विकेटलेस है, हेड टू हेड में और वेन्यू पे भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, तो आप ड्रॉप करके जा सकते हो। बाकी मोहम्मद हसनैन है, देखो लास्ट वाले जो मैच है विकेटलेस, लेकिन उससे पहले 1-1 विकेट है, फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, इस ग्राउंड पे 6 मैच खेला है, 6 विकेट है। अगर ये टीम पहले बॉलिंग करे उस कंडीशन में ही आपको अपने टीम में लेकर चलना है, अदरवाइज आप ड्रॉप कर सकते हो। बाकी यहाँ पे शरीफुल इस्लाम है, ठीक है, ये प्लेयर लेफ्ट आर्म स्पिनर है और देखो फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लास्ट के 3 मैच में बंदा विकेटलेस, लेकिन उससे पहले 2-2 विकेट है, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस गेंदबाज है ये, ठीक है, आपको अपने टीम में ले करके चलना है। जब विकेट्स निकालेगा तो गुच्छे में आपको 2 से 3 विकेट निकाल के दे सकता है, ठीक है, आज के मैच में ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, अपने टीम में पिक करके चलना। सारे प्लेयर्स का स्टार्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया, किस कंडीशन में किस प्लेयर्स को लेकर चलना है, इसके बेस पे आप अपनी एक यूनिक टीम बना सकते हो। फिलहाल बात कर लेते हैं जो मैंने इस के अकॉर्डिंग जो टीम बनाया हुआ है, वो टीम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों GL का कम्बिनेशन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इन दोनों टीम में हम अगर कोई चेंजेस करते हैं तो उसकी अपडेट्स आपको सीधा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और जो टॉस के बाद में फाइनल स्मॉल लीग का टीम होगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में सबसे ऊपर लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मन में कोई डाउट हो आप मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।